जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव होलपुर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की एक पंचायत हुई। पंचायत में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह रहे, जिससे दिल्ली कूच करने को लेकर अशरफ खान को ब्लॉक अध्यक्ष मुंडा पांडे बनाया गया और किसानों की आवाज के लिए किसानों को मजबूत किया गया, जिसमें ठाकुर जगत सिंह सिसोदिया प्रदेश महासचिव ने कहा, जब तक लागू किए गए तीनों बिलों को वापस नहीं लिए गए तो भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति आंदोलन और तेज किया जाएगा। और मंडल अध्यक्ष विक्की चौधरी ने कहा, किसानों की आवाज दबाने के लिए पुलिस प्रशासन हमारे पदाधिकारियों को नजरबंद कर देती है। और प्रदेश संगठन मंत्री शाकिर अंसारी ने कहा, अब किसानों का शोषण नहीं किया जाएगा। मुरादाबाद तहसील अध्यक्ष विनीत सागर ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के आदेशों का पालन हर हालत में किया जाएगा, जिससे मंडल मीडिया प्रभारी सोनू प्रजापति, युवा जिला अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बंटी सिंह लोधी, कल्लू पाशा, जिला उपाध्यक्ष नाजिर पाशा, प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तसुबूर ब्लॉक उपाध्यक्ष आदि लोग मौजूद रहे। मैं भारतीय किसान यूनियन महासचिव से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज जो मीटिंग रखी है, क्या है पूरा मामला? ऐसा मामला ये है, एक महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है दिल्ली बॉर्डर पर, और वहाँ कुछ किसान बीमार हो गए हैं, किसानों की तबीयत खराब है, तो वहाँ से कुछ आ रहे हैं वापस। अब यहाँ आंदोलन तेज करने के लिए मुझे जगह जगह मीटिंग करके इनको भेजना पड़ रहा है। आज यहाँ से करीब 1000 किसान दिल्ली के लिए कल रवाना हो जाएंगे, इसलिए इनको जागरूक किया, इनको समझाया किस तरीके से आपको वहाँ जाना है और लड़ाई में शामिल होना है। अब किसी भी कीमत भारतीय किसानों और महाशक्ति पीछे हटने को तैयार नहीं है, नहीं हटेगी जब तक ये सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं ले लेगी। अच्छा, किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों के लिए संदेश आने वाले समय में जो कानून सरकार ने बनाए हैं, किसानों के लिए एक बहुत बड़ा जहर है। जब तक सरकार इनको वापस नहीं लेगी, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, भारतीय किसान महाशक्ति आंदोलन करने को मजबूर है और आंदोलन करती रहेगी, चाहे सरकार कितना ही बड़ा दबाव बनाए। और सरकार ने चाल चलती है, पुलिस प्रशासन से कहा है दबाव बनाओ, नजरबंद करो। कितना नजरबंद करोगे आप? लेकिन किसान अब पीछे नहीं हटेगा, अब पूरा जागरूक हो चुका है। अगर सरकार ये मांग नहीं मानती तो आप क्या करेंगे फिर? अरे करेंगे क्या, आप लोगों को पता नहीं है बराबर आंदोलन चल रहा है। अरे दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर लाखों किसान हमारा पड़ा हुआ है, अब जागरूक कर करके इनको फिर दोबारा वहाँ भेज रहे हैं। आंदोलन को तेज कर दिया हमने, अब किसी भी कीमत पर। इनको ये लग रहा है अमित शाह जी को, क्या ये डर गए? किसान डरने वाला नहीं, अमित शाह जी आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा किसान।